बारिश के मौसम में सब लोगों को पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, तो आज मैं भी आपके साथ एक ऐसे पकौड़े शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ भी हो रही है बारिश। तो ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो इस समय पे सबने कहा कि पकौड़ा बनाओ, तो मैं भी चली पकौड़े बनाने की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े। तो पनीर को हमने एक टुकड़ में कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब कुछ हम तैयारी कर लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने कुछ लहसुन लिया है और 3 हरी मिर्च ली है, इसको हम क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए लहसुन और मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है। तो अब जो हमने पनीर कट करके रखा है उसको कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें हल्दी, फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हमने जो लहसुन और मिर्च को क्रश करके रखा था उसको भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ा हमको बचा के रखना है। तो ये देखिए हमने सभी चीजें इस पे डाल दी हैं, और अब हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे मसालों में, अच्छे से पूरे पनीर को चारों तरफ से कोट कर देना है ताकि सारी तरफ मसाले हमारे लग जाएं। ऐसा करने से मसालों का फ्लेवर पनीर में भी जाएगा और पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, पकोड़े आपके बहुत टेस्टी और चटपटे लगेंगे। अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो फिर पनीर पकोड़े फीके फीके लगते हैं। अब पनीर को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, और इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है जिसको मैं छान ले रही हूँ, अभी फिलहाल मैंने एक कटोरी लिया है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्च, उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ 1/2 पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा डालना है, इससे हमारे जो बेसन की जो परत है वो काफी क्रिस्पी बनेगी, मतलब पकौड़े काफी क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने, डालते जाएं और अच्छे से फेंटते जाएं। आप चाहे विस्कर से फेंट सकते हैं या फिर चम्मच से भी फेंट सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है जिससे पनीर के ऊपर अच्छी खासी उसकी कोटिंग हो सके, ज्यादा पतला नहीं करना नहीं तो वो बह जाएगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ी गाढ़ी ही इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है हमें। तो फेंटना भी हमें 1-2 मिनट तक अच्छे से है इससे, ताकि ये थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से बेसन को फेंट लिया है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए मैं चम्मच से आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह थिक बैटर हमको बना के इसका तैयार करना है। अब यहाँ पर आपके पास अगर हरा धनिया हो तो जरूर डालिएगा, आज मेरे पास था नहीं और बाहर बारिश हो रही थी तो मैं मंगा भी नहीं पाई। तो अब इस बैटर में हम मैरिनेट किया हुआ पनीर रखेंगे, और साथ में मैंने गैस पर कढ़ाई भी रख दिया, उसमें तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि आपको पनीर को पूरे बेसन में मिक्स नहीं करना है, बस इसी तरह रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन डालकर तुरंत उसको उठाकर कढ़ाई के तेल में डाल देना है। हमको उसका मसाला जो है छुटाना नहीं है, मतलब ऐसे आप डालिए कि वो मसाला उसमें लगा रहे, बस बेसन ऊपर से डालिए और तुरंत उसको कढ़ाई में डाल दीजिए। तो ये चीज थोड़ा सा सावधानी से करेंगे तो आपके पनीर का फ्लेवर बना रहेगा। अब इन पकौड़ों को हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर तलना है, एक तरफ से जब अच्छे से थोड़ा सा पक जाए तभी हम इसे पलटेंगे, नहीं तो उसकी परत टूट जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो जब मैं ये पकौड़े बना रही थी तभी मेरी बेटी ब्रेड लेकर आ गई और कहने लगी मुझे ब्रेड के भी पकौड़े खाने हैं। तो आलू तो मैंने बॉयल करने ही रखे थे, तो मैंने उसके लिए ब्रेड के भी पकौड़े बनाए। कैसे बनाए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके बाद मैंने थोड़े से ब्रेड के पकौड़े बनाए हैं। तो ये देखिए ये पकौड़े हमारे तल गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में हम दूसरा बैच भी डालकर तल लेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है और ये पकौड़े भी हमारे बनके तैयार हैं। तो अब इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी ब्रेड का पकौड़ा। तो ब्रेड का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ब्रेड के 4 स्लाइस किए, तो 2 स्लाइस के बीच में मैंने मैरिनेटेड पनीर को रखा, उसके बाद इसको बेसन में डिप कर दिया। तो यहाँ बेसन का घोल को मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है, और फिर उसके बाद उसमें जो है ब्रेड को पूरा इसी तरह से बेसन से कोट किया और उसको तलने के लिए डाल दिया
तेल में। इसी तरह मैंने चार ब्रेड पकौड़े छोटे छोटे ही स्क्वायर शेप के बनाए, जो मेरी बेटी के लिए मैंने बनाए थे। उसको इतना पसंद आया कि वो कह रही थी मम्मी और बना दो, लेकिन इस समय तक जो है पनीर ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम पनीर लाएंगे तो हम बना लिए ऐसा ब्रेड पकौड़ा पनीर का बना देंगे। तो लास्ट में मैंने ये ब्रेड के पकौड़े बनाए थे, तेल थोड़ा कम हो गया था लेकिन फिर मैंने और ऑयल नहीं डाला, फिर वो बच के फिर ऐसे जला हुआ तेल रखना पड़ेगा इसलिए जो है मैंने तेल नहीं डाला। और ये तेल तो मैं सब्जी वगैरह में आज और कल में यूज कर लूंगी। तो ये इस तरह मैं थोड़ा कम ही तेल यूज करती हूँ कुछ चीज तलने के लिए भी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये लीजिए बनके तैयार है हमारा पनीर का पकौड़ा जिसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। तो एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कैसा बना है। तो जैसे मैंने इसको तोड़ा तो मेरी बेटी तुरंत आ चुकी थी तो कहने लगी मम्मा मुझे खिलाइए। तो ये देखिए मैंने उसको गर्म गर्म ही खिला दिया, उसका मुँह जलने लगा। मैं कह रही थी कि बहुत गर्म है लेकिन वो मानी नहीं, नहीं नहीं मुझे खाना है खाना है। तो उसने जैसे खाया उसका मुँह जलने लगा। इन पकौड़ों को आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, या फिर आप हरी मिर्च को तेल में फ्राई करके उस पर नमक डाल के उनके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह इसको खा सकते हैं। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़े भी बनके तैयार हैं। तो ये भी मैं दिखाने जा रही थी फिर, लेकिन सब लोग बैठे थे खाने के लिए तो मैं अच्छे से प्लेटिंग करके नहीं दिखा पाई, फिर तुरंत ही मैंने उन लोगों को दे दिया खाने के लिए। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।